प्यारे मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्री का सेशन हमारा चल रहा है, वह हमने 8.3 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को बताने का प्रयास किया था और आज हम 8.3 पर बात करेंगे। तो देखिए स्थिति क्या है, थोड़ा सा एक चीज आप करेंगे तो बहुत हमको अच्छा लगेगा। जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं तो एक काम जरूर करें, कमेंट के माध्यम से जो भी आपका गलत हो कि आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं या सही पढ़ा रहे हैं, तो कुछ लिखते हैं आप तो अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। तो थोड़ा सा इस चीज को जरूर देखें कि थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा हमको। और जो भी चीजें हैं तो हमने आपसे बताई और आगे हम 8.3 पर बात कर रहे हैं, तो हमारा थोड़ा सा बात को ध्यान रखिएगा आप लोग, जो भी बातें आपको समझ में अगर आ रही है तो कमेंट के माध्यम से जरूर हमको एस नो बताएं कि सर समझ में बातें आ रही है या नहीं आ रही है, या क्या कमी रह रहा है, या क्या चीजें आपसे गलत, मतलब क्या चीजें गलत समझ में आ रहा है। अगर कुछ गलत हो तो आप उंगली उठाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप बताएं हमको कि ये चीजें समझ में नहीं आ रही। चलिए 8.3 पर बात कर रहे हैं और बेसिक स्तर पर समझाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसी को लेकर आप चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। पहला कह रहा है 8.3 कह रहा है, देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, वह पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। तो पहले का पहला साइन 18 अपान कॉस 72 डिग्री, दूसरा क्या है 10 26 डिग्री कॉट 64 डिग्री, तीसरा क्या है कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं। देखिए आप सबसे पहले तो किसी भी बात के लिए परेशान मत होइए, ठीक है ना, क्वेश्चन को देखकर घबराइए मत। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने बताया जो पिछले वीडियो में, उसी को लेकर चलेंगे। देखिए यहां पर जो भी क्वेश्चन है सब पूरा पे काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट पे काम कर रहा है। साइन 18, एक बात बताइए, हमने अभी कुछ मतलब पिछले वीडियो में बताया कि साइन 18 जितना होगा और कॉस किसके बराबर होगा, 72 के बराबर होगा, क्योंकि भाई दोनों को जोड़ने पर किसके बराबर होना चाहिए, 90 के बराबर होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 18 और कॉस 72, तो आप लिख सकते हैं साइन 18 को कॉस 72 लिख सकते हैं, कॉस 72 और नीचे हो गया कॉस 72, कॉस 72 से कॉस 72 कट जाएगा, हो जाएगा इसका मान। जैसे हमने बताया यही है कि साइन 18 तो साइन बदल जाएगा कॉस में, 18 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाए, तो 18 में साइन को बदल देंगे कॉस में और 18 में 72 जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा, जो उसके बराबर होगा, तो कॉस 72 और कॉस 72 एक हो जाएगा, कोई दिक्कत। आगे उसी तरह से 10 26 होगा, तो 10 बदल जाएगा कॉट में, 26 में कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 64, तो 10 26 के बराबर कॉट 64 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट लिख दीजिए कॉट 64 अपान नीचे हो जाएगा कॉट 64, इसे कट जाएगा तो भी हो जाएगा एक, बातें समझ में आ रही। अब कॉस 48 माइनस साइन 42, तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, देखिए आप कॉट को भी 10 में बदल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस कॉस को भी साइन में बदल सकते हैं, आप चाहें तो इसको बदल लें, आप चाहें तो इसको बदल लें, कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी एक तरह से बदल के पूरक बना लीजिए। देखिए अब कॉस 72 साइन 18 के बराबर होगा, साइन 18 नीचे नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कॉस 48 और साइन 42 डिग्री, तो कॉस बदल जाएगा साइन में, एकदम बदल जाएगा, और 48 की जगह पे क्या हो जाएगा साइन 42 हो जाएगा, एकदम होगा और साइन 42, क्योंकि भाई 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, और साइन 42, साइन 42 से साइन 42 कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0। चलिए अगले क्वेश्चन, इसी में अगले क्वेश्चन है, मतलब चौथा क्वेश्चन है, इसी बात कर रहे हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसी में चौथा है कॉसेक 31 और सेक 59। देखिए इसमें एक चीज आप कॉमन देख रहे हैं
कि जो एंगल दे रहा है और ये एंगल दे रहा है दोनों को जोड़ने पर 90 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कोसेक को बदल देंगे सेक में और इसमें कितना जुड़े कि 90 के बराबर हो जाए, तो सेक 59 हो जाएगा माइनस सेक 59 हो जाएगा। सेक 59 के बराबर कोसेक 31 होता है ना, कोसेक को बदल देंगे सेक में और 31 की जगह पर क्या लिख देंगे 59, तभी तो पूरक होगा और सेक 59 में सेक 59 घट जाएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका 0। हमने क्वेश्चन नंबर 1 को बताने का प्रयास किया है आपके सामने और इसको थोड़ा सा आप जरूर अपने स्तर पे देखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, क्या क्वेश्चन है? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है थोड़ा देख लीजिए, दूसरा जो कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है कि दिखाइए कि, तो इसमें पहला है उसको पहले देख लेते हैं, टेन 48 और टेन 23 डिग्री और टेन 42 डिग्री और टेन 67 डिग्री इक्वल 1। तो इसमें काम करना है कि इसका इसको सॉल्व करके एक के बराबर लाना है। तो एक काम करते हैं, देखिए टेन है टेन है टेन है और टेन है, एक काम करते हैं टेन को लिख सकते हैं क्या हम कॉट किसके जगह पे 42, टेन का पूरक, टेन का पूरक टेन को बदल देंगे कॉट में और 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 के बराबर हो जाएगा, गुणा टेन 23 को हम लिख सकते हैं कॉट 23 में 67 ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका, अब टेन को कॉट बदल देंगे 23 को लिख देंगे 67, ये बदल जाएगा पूरक में। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे टेन 42 और टेन 67। अब देखिए कॉट और टेन में गुणा करते हैं तो हो जाता है कॉट 42 और टेन 42 कट जाएगा और कॉट 67 और टेन 67 ये भी कट जाएगा, क्यों भाई कॉट इंटू टेन क्यों कटता है, तो इसलिए कटता है कि कॉट लिखते हैं कॉस बटा साइन और टेन लिखते हैं साइन बटा कॉस, तो कॉस से कॉस कट जाता है साइन साइन कट जाती है इसलिए कहा जाता है, इसलिए हमने कॉट को टेन से और कॉट को टेन से काट दिया, इसका मान ली दिया एक, जो प्रूफ हो गया। इसी को दिखाना था कि आप इसको सिद्ध करके सॉल्व करके किसके बराबर लाइए, एक के बराबर लाइए। अब चलिए दूसरा बताते हैं, दूसरा क्या है कॉस 38 डिग्री और कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0। अथवा ध्यान दीजिएगा यहां पे देखिए एक दूसरे का पूरक है, बस बदल देना है, यहां हो जाएगा साइन 52 मतलब इसका पूरक 52 हो जाएगा, अस्कास को बदल देंगे साइन गुणे कॉस 52 हो जाएगा, है कि नहीं, ऐसे माइनस साइन 38 है तो साइन को बदल दिए कॉस 52 में और फिर साइन 52 इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 52 आकाश 52 आकाश 52 साइन 52 हो जाएगा किसके बराबर 0, दोनों आपस में बराबर 0, दोनों को हमने दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बात करते हैं, आसान है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है यदि टेन 2a इक्वल कॉट a माइनस 18, 2a न्यून कोण है और a का मान ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है, तो क्या दिक्कत है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने पढ़ा है क्या कि टेन थीटा 90 माइनस थीटा इक्वल कॉट थीटा, इतना हमने पढ़ा है। एक काम करते हैं क्या, या इतना पढ़ा है हमने टेन नहीं कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा ये फॉर्मूला आप पढ़े हैं, तो जो टेन थीटा है टेन थीटा की जगह पर इतना है तो बदल देंगे थीटा की जगह, अब थीटा की जगह पर मान लेते 2a
तो इस थीटा की जगह पे आ जाएगा कितना 2a, तो हम इसको लिख देंगे कॉट 90 माइनस 2a, इसको लिख देंगे, इसको लिख सकते हैं यहां पर, और कॉट a माइनस 18, इसको ऐसे लिख देंगे, इसको इस तरह लिख सकते हैं, कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 माइनस 2a इक्वल a माइनस 18, आप इसको इधर लाइए, इसको इधर भेजिए, 90 प्लस 18 इक्वल ए प्लस 2a, तो हो जाएगा 3a इक्वल 8 और 9 10, a इक्वल हो जाएगा 108 बट्टा 3, 3 तरीके 9, 3 चक 18, ए इक्वल हो जाएगा आपका 36 डिग्री। हमको उम्मीद है कि बातें जरूर समझ में आपको आ रही है, ठीक है ना, इस चीज और सब पूरक से संबंधित क्वेश्चन है तो बना लेते हैं। अब थोड़ा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है, चौथा का देख लीजिए, ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहा है टेन ए इक्वल कॉट बी, तो प्रूफ करना है, सिद्ध करना है ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, प्रूफ करके लाना मतलब सिद्ध करके लाना है, तो देखिए टेन ए और कॉट बी, अब लिख सकते हैं इसको कॉट 90 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं इसको, क्यों भाई कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल कॉट 90 माइनस ए इक्वल कॉट बी, कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, तो 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए ये हो जाएगा इक्वल बी, ए को इधर ला देंगे तो 90 हो जाएगा इधर, ए इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस ए बी, ए प्लस बी इक्वल 90, प्रूफ या हम कह सकते हैं सिद्ध हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर चार हमने भी बताने का प्रयास आपको किया, देखिए सभी क्वेश्चन पूरक से संबंधित है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, चलिए क्वेश्चन आगे बताते हैं, आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन जो भी बना रहे हैं आराम से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी क्वेश्चन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये देख लीजिए, कह रहा है कि एबीसी, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, एबीसी तीन त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण को दिखाइए, तो अंतःकोण का मतलब क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल किसके बराबर होता है, ए 180 के बराबर होता है, तो हम जानते हैं क्या कि इसको इधर भेज लीजिए, इसको इधर मत भेजिए, दिखाना क्या पहले, साइन बी प्लस सी अपान टू इक्वल कॉस ए अपान टू लाना है, इतना ए अपान टू लाना, तो अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसको सॉल्व करके इतना ला देना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, अब देखिए साइन को, तो इधर देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180, यहां पर हम जानते हैं कितना होता है, अब बी प्लस सी इधर दिया हुआ है, तो बी प्लस सी को छोड़ दीजिए, एक उधर लाइए, तो हो सकता है बी प्लस सी इक्वल 180 माइनस ए हो जाएगा, तो बी प्लस सी की जगह पे क्या रखेंगे, 180 माइनस ए यहां पे, तो साइन 180 माइनस ए रख देंगे, अब बटा टू, अब देखिए थोड़ा सा साइन, अब 180 बटा 2 हो जाएगा और माइनस ए अपान 2 हो जाएगा इधर इसमें, तो कट जाएगा 90 माइनस ए अपान 2 यह हो जाएगा साइन, तो हम जानते हैं साइन, अब इस तरह फॉर्मूला होता है आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है क्या कॉस थीटा, तो हम जानते हैं कॉस थीटा होता है, तो इसको बदल देंगे, साइन को बदल देंगे कॉस में और 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है ए अपान 2, ये हो गया आपका प्रूफ, इतना लाना था हमने इसको सॉल्व कर रखा है, ठीक है, हमको उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ रही है, क्वेश्चन लास्ट होगा जो आपको हम बताने जा रहे हैं, ठीक है ना, चलिए इसको बनाते जाइएगा आप लोग, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम ये भी बात बताए हैं कि वीडियो लाइक शेयर कमेंट की बात अलग है, जब समझ में आए कम और तू आप इसे करें, ठीक है ना, ऐसा फिजूल की बात करें तो फिजूल में आप इस तरह की कुछ ना करें, और देखिए बातें अगर सही आपको समझ में अगर आ रही है तो जरूर कमेंट करें, ताकि हमको एक मोटिवेशन मिलता है और काम करने के लिए आदमी को मोटिवेशन की आवश्यकता पहले होती है, बाद में कुछ चीजें होती है, तो मोटिवेशन जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन बात कर रहे हैं, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, क्वेश्चन कह रहा है
कि आप 0 और 45 के बीच गुणों का अनुपात करिए, मतलब आप 0 और 45 के बीच का मान का मतलब लाइए, इसको बना दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या बनाएंगे, साइन को लिख सकते हैं क्या? अब देखिए 90 में से 67 घटा देंगे, 67 घटाएंगे तो 10 में 7 घटेगा 3 और 8 में से 3, 8 में 6 2, तो हम ही कह सकते हैं कि साइन को बदलने कॉस में आते ही जोड़ देंगे, हो नहीं जाएगा, एकदम हो जाएगा। और 75 है तो साइन बदल जाएगा 15 में, तो कह रहा है कि 0 और 45 के बीच में लाना है। देखिए 15 एक आ गया, एक का 23 आ गया, दोनों 0 और 45 के बीच में आ रहा है। तो देखिए हमने इसका पूरक बना दिया, इसका पूरक बना दिया, ये मांग रहा है कि जो कोण आप दिखाना है, इस कोण को आप दिखाइए किसके बराबर, 0 और 45 के बीच में। तो हमने 8.3 को सॉल्व करने का प्रयास किया आपके सामने, और जो अगला वीडियो आपका होगा 8.4 से संबंधित पहले जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा हम उस पर बात करेंगे। तो ये रहा हमारा आज का 8.3, और आपको बातें समझ में आ रही है तो बार बार मैं कह रहा हूँ जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। छोटे से वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।